नमस्कार, आप देख रहे हैं रागनी टाइम्स। आपके साथ मैं रागनी श्रीवास्तव। हम सभी जानते हैं कल सबने जन्माष्टमी मनाई और जन्माष्टमी के पर्व पर गायों की सेवा की जाती है और गायों की पूजा भी की जाती है। यहाँ पर हम अभी आए हैं कान्हा गौशाला में, जो शाहजहांपुर में मघई टोला एक क्षेत्र है जहाँ पर कान्हा गौशाला बना हुआ है और ये नगर निगम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कल नगर निगम के स्टाफ के द्वारा पूजा भी की गई है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे अंदर कैसी स्थिति बनी हुई है गौशाला की। और एक चीज हम आपको और दिखा दें कि ये कान्हा गौशाला है जो नगर निगम की तरफ से, और गौशाला के प्रभारी अंगद गुप्ता है, सहायक नगर आयुक्त सॉरी, अभी फिलहाल अंगद गुप्ता यहाँ से जा चुके हैं लेकिन अभी ये बैनर नहीं बदला गया है। सहायक गौशाला प्रभारी है सूरज प्रजापति, अपर अभियंता, गौशाला संचालक संस्था है गौरी एसोसिएशन गौरव अग्निहोत्री, सुपरवाइजर हैं अविरल विष्णु। तो ये जो यहाँ के जो मैनेजमेंट देख रहे हैं सब उन्हीं के नाम है। और एक चीज हम आपको और दिखा दें कि इसका जब निर्माण हुआ था कार्य का नाम ग्राम मिश्रीपुर तराई में गौशाला निर्माण है, जिसका लागत जो मूल्य है वो 237.25 लाख है और ये कार्य पूर्ण हुआ था 27 नवंबर 2019 को। हाँ जी, तो ये गौशाला है, इसके अंदर हम आपको यहाँ की जो स्थिति है वो उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि गाय कितनी कैपेसिटी है यहाँ पर गायों को रखने की और कितनी गाय रखी जा रही है, क्योंकि लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत है कि रोडों पर जो गाय घूम रही है उनको क्यों नहीं रखा जाता। ये सिर्फ इस वजह से भी है क्यों हम यहाँ पर गौशाला में क्षमता से अधिक गाय हैं तो उनको रखने की जगह भी पर्याप्त नहीं है, जिस वजह से कहीं ना कहीं गाय जो है खुले में घूम रही हैं और छूटे हुए जानवर घूमते हैं जो खेतों में लोगों की समस्याओं का कारण बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कान्हा गौशाला है, यहाँ पर जितनी गाय है उनसे जानेंगे जो भैया यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? नरेश। तो यहाँ पर गायों के रखने की कितनी क्षमता है? क्षमता तो मैम हमें पता नहीं कितनी, मतलब यहाँ पर 331 गाय है, 331 गाय। अच्छा, 331 से आपको लगता है कि कुछ तो लगता होगा पर्याप्त है इतनी जगह 300 गायों की? 300 गाय के लिए तो पर्याप्त जगह है, मतलब इनके लिए घूमने फिरने की जगह होनी चाहिए, चार गाय की जमीन हो थोड़ी तो सही रहता है। तो मतलब जरूरत से ज्यादा ही है यहाँ पर गाय जब उनके घूम सही है। वैसे देखा जाए ऐसा कुछ बीमार गाय आती है एक्सीडेंटल तो उनका इलाज भी चलता है, ऐसी गाय है जो हम लोग देखते रहते सही भी करते हैं, ऐसी 10 गाय हम लोग सही कर चुके हैं, मतलब अपने तरीके से करते रहते हैं, उनकी भी देख रेख करना काम बढ़ रहा है। 2-3 पानी पिलाना, चारा खिलाना और दवा करना, फिर एक सींग में दिक्कत है किसी के पेट में, तो सब हम लोग करते। वीडियो है हमारे पास, आपको दिखा देंगे। तो आप ये बताइए कल नगर निगम की तरफ से यहाँ गायों की पूजा की गई होगी, जन्माष्टमी कैसे मनाया गया? बहुत सुंदर मैम, पूरा सजा था यहाँ से वहाँ तक और बढ़िया व्यवस्था थी। क्या सजावट की गई थी यहाँ पर? मतलब फ्लावर लगाए गए थे, फूल उल आए थे, गुड़ आए थे और क्या नाम फल आए थे खिलाने के लिए। कल शाम में? नहीं सुबह। कल सुबह में यहाँ पर पूजा की गई थी। और ये गाय देखिए जिस तरह से निकल कर बाहर आ रही है, इनके चारे की व्यवस्था कैसी है जरा बता दीजिए भैया। चारा अभी आ भी रहा है, सुबह जो है वो चोकर लगा देते हैं। अच्छा, तो गाय खा लेंगी और 9 तक चारा जाता है, फिर सेकंड में 11 आता है, फिर 3 तीन बार चारा आता है, अभी आ रहा है चारा। लेकिन ये जो गाय है ये यहाँ पर जितना देखने को मिल रहा है ये इस तरह से इतनी सूख क्यों रही है, मतलब इनका जो अंदर की हड्डियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं। रोड पर से पकड़ के आती है, बहुत ही कमजोर, क्योंकि गाय दूके छोड़ देते हैं लोग, उन्हें पालना चाहिए, वो उन्हें खाली दूध से मतलब है और गाय देते हैं छोड़, तो वो गाय यहाँ आ जाती पकड़ के, जब रोड पे छोड़ देंगे कट जाएगी पिट जाएगी तो वो यहीं आती है। गलती मैम उनकी है जो गाय पालते हैं, गाय अपनी छोड़ते की। ये आपके ये इस समस्या से हम सहमत हैं आपकी, क्योंकि गाय अगर जब तक हमें दूध दे रही है तब तक तो हम उसे पाल रहे हैं, जैसे ही वो दूध देना बंद करती है तो हम लोग गाय को छोड़ देते हैं और वो सड़कों पर घूमती है। लेकिन जो ये गौशाला है यहाँ का जो
ये सरकारी गौशाला है जी मैम, सरकारी। तो इसका पैसा भी सरकार देती होगी? जी देती। तो जब सरकार पैसा दे रही तो ऐसा नहीं है कि सारी गाय जो है एकदम से बाहर से आके कल परसों में आके? मैम आप गाय देख लीजिए, बहुत ही यहाँ सुंदर व्यवस्था है, बिल्कुल जितनी गाय हम के लिए भी अलग व्यवस्था है, छोटी चंडी वो बना रखी है बच्चों के लिए। तो जितनी गाय ये देखने को मिल रही है एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं, ये ऐसा है ना, जब कोई नया आदमी आता है तो ये समझते कुछ वो खाने को लाया है तो ये पास में आ जाएंगे। हाँ इनको लग रहा है कि देखिए आगे बढ़ रहे हैं। गौशाला से बहुत बढ़िया यहाँ व्यवस्था और गौशाला बहुत बढ़िया, आप जितने देख आइए उसके बाद हमारी गौशाला तुलना करिए, सबसे बढ़िया चारा ले लो। तुलना की नहीं है ये, तुलना नहीं की, चारा ले लो चारा। हम गायों की तुलना किसी से नहीं कर रहे, हम एक आपसे हाँ जेन्युइन बात व्यवस्था की कर रहे हैं कि गाय जो देजे है और चारा भी आ गया और हम लोग खुद ही देखते रहते हैं बीमारों को उठाना बैठाना, बहुत व्यवस्था सही है। आपकी तो संस्था है तो आप तो अच्छे से ध्यान रखते हैं। मैम ऐसे नहीं, हम 7 साल से सेवा कर रहे हैं, रोड उस समय सेवा कर रहे हैं जिस समय जेसीबी नहीं मिलती थी और हमने गड्ढा खोद खोद के गाय गाड़ी है, नाले में से मरी हुई निकाली है, जिनके कीड़े पड़े तो कोई निकाले एक नहीं, इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं कि सेवा कर सकें, अब मौका मिला है। नहीं आपकी बात हम समझ रहे हैं लेकिन फिलहाल गाय काफी कमजोर दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि खाने पीने की व्यवस्था में व्यवस्था में बहुत बढ़िया है, तो हमारी देख रेख में तो व्यवस्था में मौके होगी, आप खुद देख लीजिए। तो इनको चारा कैसे देते, दिन में 2 बार देते हैं कैसे? जैसे मैम सुबह चोकर लग गया भूसे में तो पहली नांदी हो गई, अब ये चारा मिक्स हो जाएगा, फिर दोपहर में आएगा चक्कर वो मिक्स हो जाएगा तो ये खा लेंगे और शाम में चोकर छिड़कवा देंगे बस। अच्छा तो दिन में चार बार तो आप 4 बार नांदी कर देते हैं। पानी की व्यवस्था ऐसे रखेंगे, ड्रम में ताजा रखते हुए गर्म रखेंगे तो बीमार होंगी, गर्म पियेंगी तो ताजा भरो ताजा पी लो वो सही रहता है। चलो चारा अंदर ले लो। तो यहाँ पर सफाई के लिए भी स्टाफ लगा है? जी मैम लगे हैं, 7 लोग हैं। 7 लोग लगे हुए हैं, इतने 300 लगभग 300 गायों पे 7 लोग सफाई व्यवस्था? जी मैम 7 अभी हैं बाकी। अच्छा तो अभी यहाँ पर कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो यहाँ पर जो गाय है ये इस तरीके से बाहर निकल कर आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने को दिया जा रहा है जिस वजह से ये लोग सब बाहर आ रही है। मैम आते लेते ना लोग खिलाने के लिए, चक्कर में देख रहे कि आप भी कुछ खिलाने को लाए। जी जी कई लोग आते हैं यहाँ तो सेवा करने। तो इनका जो चारा है ये पर डे आता है ऐसे ही? पर डे आता है। तो ये कितना, 1 मिनट रोकिएगा भैया, चले भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो 10 बोरी है ना ये? तो ये 3 चक्कर मतलब ज्यादा भी हो जाती, 12 भी बोरी हो जाती है? नहीं नहीं तो एक क्वांटिटी बताइए। 12 मैडम 14 से 15 क्विंटल आ जाता है चारा, इस समय है 5 50 है। 5 50 वो 5 क्विंटल 50 किलो। अच्छा 5 क्विंटल 50 जी मैम। ऐसे 10 बोरियां जो है दिन में तीन बार में आती जी? तो इतना क्या, कितने 300 गायों के लिए कैसे आप पर्याप्त करते हो? मैम हो जाता है, मतलब थोड़ा सा आप समझाइए कैसे भूसा मिलाते हैं, कितना भूसा एक बोरे में, कितना इधर से ये है एक बोरा है इसमें कितना भूसा अभी हम यहाँ डालते हैं? तो भूसे का तो अंदाजा नहीं लगा सकते, भूसा तो तौलते नहीं, चारे का अंदाजा है। हाँ, नहीं जैसे आपको क्वांटिटी अच्छे से पता रहती है, हम लोगों से ज्यादा आप जानते हो कि एक बोरे में आप कितना मिलाएंगे? ऐसा मैम अभी आपको हम दिखा देंगे कैसे मिलाते हैं, बोरे जो है जैसे 10 है तो अभी हम 3-3 के हिसाब से डालेंगे चन्नियों में, उसके बाद वो आएगा वो भी 3-3, वो ज्यादा होंगे तो हिसाब से पड़ेंगे, चल पड़ेंगे व्यवस्था ऐसी चलेगी। जैसे चन्नी के जैसे 10 बोरे हैं तो 3 × 6 × 3 = 9 पड़ेगा, ऐसे पड़ेंगे। हाँ 3 क्विंटल 3 क्विंटल एक बार में चाहिए तो ऐसे दिन भर में तो 3-4 बार देना, 3-4 बार देना पड़ता है, 4 बार होता है, 4 बार जी। तो व्यवस्थाएं काफी, पानी पानी वगैरह की तो व्यवस्थाएं अच्छी है लेकिन अगर दिमाग में बस एक ही बात आ रही है कि अगर किसी को 4 टाइम खाना मिल रहा है चाहे वो इंसान हो या गाय हो तो उनकी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, मतलब एक तंदुरुस्ती वाली बात आनी चाहिए। ये जो गाय यहाँ पर है जो हम लोग लेके आते हैं ये गाँव वाले इस कंडीशन में छोड़ते हैं कि फिर ये गाय बिल्कुल इनकी हड्डियाँ वहाँ से निकली, इससे ज्यादा निकली हुई होती हैं, यहाँ पर आकर तो आपको और अच्छी दिख रही है। अगर हम जब गाय लाते हैं पकड़ के रोड पर से तो आप देखोगे तो उसकी हालत ज्यादा खराब होती है जी, तो मतलब ये पनप ही नहीं पा रही है, इनको कितना भी दिया जाए ये पनप, इनको खिलाया जा रहा है, इनकी हालत अच्छी हुई है यहाँ पर आके, रोड पे इससे ज्यादा बुरी हालत होती है। जब हम इसको लेके आते हैं, मैं कैटल कैचर टीम से हूँ नगर निगम की और ये मेरी पूरी टीम है, हम लोग गाय लेके आते हैं पकड़ के, इससे ज्यादा बुरी हालत होती है, गाँव वाले जो छोड़ देते हैं मतलब हड्डियाँ निकली हुई, इससे भी ज्यादा बुरी हालत होती है। जिस गाय की पूजा सहायक नगर आयुक्त कर रही थी रश्मि भारती, वो गाय भी
ऐसी स्थिति में थी कि जिसके सिर्फ एक ढांचा गाय का थी। अभी जैसे गाय जब ब्याती है तो थोड़ा सा कमजोर हो जाती है, दो दिन का बच्चा उसका, वो ब्याई थी। अच्छा। हाँ, जब ब्याने बाद थोड़ा पेट में, तो आप तब तो उसका और ज्यादा ध्यान रखने की नहीं, ध्यान मैम उसको अलग रखता है, वो अभी जो बच्चे वाली चलनी है, बच्चे खा लेंगे तो उसके बाद शाम में गाय कर देते हैं। दही कहाँ सब गाय? ये चारे पीछे गए, जैसे अब बच्चे वाली चन्नी बनी, पहले वहाँ चारा पड़ेगा, अच्छा। बच्चों के लिए पड़ेगा, फिर चन्नियों में जाएगा, तो ये सब खाने के चक्कर में वहाँ भाग गई है। 325 गाय इतनी सी, उसमें आप पंखे, ये पंखे चल क्यों नहीं रहे हैं? खराब है क्या? हाँ, लाइट नहीं, लाइट है नहीं, लाइट नहीं, मतलब लाइट की व्यवस्था नहीं की, लाइट चली गई, लाइट है नहीं इस एरिया में, तो ये पंखे क्यों लगाए गए हैं? जनरेटर चलता, जनरेटर, तो ये जनरेटर बंद क्यों है? जनरेटर जब जरूरत पड़ती है, जब चलता है पानी के लिए या मतलब धुलाई के लिए, उसके लिए तो पंखे की जरूरत नहीं है। तो फिर अगर चलो ठीक है, खुला हुआ तो पंखे लगे क्यों है, मेरी ये समझ में नहीं। अभी इस एरिया में लाइट नहीं आई है, जब लाइट आ जाएगी तो ये सब पहले से व्यवस्था करके रखिए कि लाइट आने वाली है, खंभे लग जाएंगे तो ये सब लाइट चालू हो जाएगी यहाँ पर, अभी इस एरिया में ही लाइट नहीं है। अच्छा, पंखों की व्यवस्था कर दी गई है और लाइट इस पूरे एरिया में ही नहीं है, तो इसलिए लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बहुत अंदर तक गाय एकदम से, लेकिन जहाँ तक भी मेरी नजर जा पा रही है ना, गाय सब गायों के सिर्फ सींग ही दिख रहे हैं, और इनका पर डे का खर्चा सरकार की तरफ से, पर डे का जो खर्चा है, एक गाय पर 30 रुपए पर डे का खर्चा सरकार देती है, नगर निगम के अंडर में आती है, लेकिन ये सरकारी गौशाला है, और इस पर डे का एक गाय का खर्चा जो है 30 रुपए आता है, जिसके बाद और व्यवस्थाएं तो अलग से है, लेकिन उसके बाद भी इन गायों को देख कर यही लग रहा है कि गायों की जो व्यवस्था है वो तो काफी हद तक ठीक है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही। अच्छा, इनके उसके ऊपर चारा पड़ेगा, भैया हट जाइए इधर, ये पूरा जो ऊपर है, डॉक्टर की टीम आ गई, डॉक्टर की टीम आ गई हॉस्पिटल से। ऊपर है, कहाँ पर? कहाँ पर? ऊपर है मैम, ये डॉक्टर है, मतलब उनके असिस्टेंट हैं, डॉक्टर साहब का फोन अभी आया था, वो भी आ रहे हैं। कितनी एक आई है एक्सीडेंटल? दो, एक रोजे अड्डे से लाए हैं और एक ये मौजमपुर से। तो आप लोगों का काफी काम बढ़ जाता है, आपको खबर मिलती है कितनी बड़ा मैम, एक एक दिन में 5-5 एक्सीडेंट हो रहे हैं, पूरा पूरा दिन हो जाता है, रोड पे घूमती है, इतना रोड पे इतना जानवर है, क्या करा जाए, मजबूरी है। और दूसरी चीज ये सबसे बड़ी बात होगी कि अब गांव के लोग जो हैं वो रात में जानवर सारे हकाल के शहर ले आते हैं, उनके खेतों में जाते हैं, तो बोलो वहां से भगाते हैं जी, और वो शहर में आते हैं, सारे रोडों पर बैठे हुए हैं, और रोड डेली ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन चार पांच एक्सीडेंट ना हो रहा हो। ये आप शहर की बात कर रहे हैं? मतलब कहीं भी है, हम बहुत बहुत दूर से उठा के ला रहे हैं गाय एक्सीडेंट, तो ये कार से रास्ते में टकरा गई, रात के सबसे ज्यादा ये अभी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है मौजमपुर में, बिल्कुल एक गाय का जबड़ा टूटा है पूरा बुरी तरीके से। हाँ। और एक तो बस समझ लीजिए बचे, बचना मुश्किल है उसका। अरे, तो मतलब आपका पर डे का रहता है? पर डे मेरे पास पूरी एंट्री है, रजिस्टर है मेरा, आप सब कुछ अगर देखना चाहें वो भी देख सकती है, सब लिखा हुआ। सर आप दिखाइए क्या पर डे के इतनी मशक्कत आप कहाँ से उठाई है, ये सारा ये एक्सीडेंटल का ही है, ये सब ज्यादातर एक्सीडेंटल ही है। अच्छा, मऊ खालसा, मतलब ये 17 तारीख में ही अगर देखें तो 3 गाय आई हैं, 16 में, 15 में भी 2 आई हैं, 14 में भी आई हैं, 14 में 2 हैं और 14 में 2 और एक 3 जी। 3 मतलब पर डे 3 से 4 गाय आपके पास डेली आ रही है? डेली आ रही है। और क्योंकि ये मेगा सिटी जैसे हो गया, जमका दुराया हो गया, ये हमारे नगर में नहीं है, उनका उपचार कराया जाता तो काफी दिक्कतों का सामना भी लोग यहाँ के जो स्टाफ है उनको करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षमता कम होने से और गाय अधिक होने से भी उनकी देखरेख में कमी आ रही है। और